कैबिनेट का गठन है उसमें अभी समय लग सकता है ऋतु, और ये अभी इस वक्त स्पष्ट संदेश और कार्यक्रम का औपचारिक समापन हो चुका है। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी यहां कार्यक्रम संपन्न हो गया है और प्रधानमंत्री और राज्यपाल अब बातचीत करते हुए कार्यक्रम के समापन के बाद यहां पर एक बार फिर देखिए मंच पर बैठने का या वहां पर रुकने का इशारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री सभी को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हुए छत्तीसगढ़ की जनता का ऋतु। ये तस्वीरें बेहद खास ही तस्वीरें और इतिहास में ये दर्ज होंगी। आज की जो तस्वीरें हैं बेहद खास, भव्य कार्यक्रम और भव्य तैयारियां आज के कार्यक्रम को लेकर के प्रधानमंत्री भी पहुंचे, दिग्गज भी पहुंचे और कयास जो है लगाए जा रहे थे कि शायद कई मंत्रियों को आज शपथ भी दिलाई जाए, हालांकि उसे होल्ड किया गया है, उसमें समय लगेगा, पर जो है सीएम पद की शपथ विष्णु साय ने ले ली है। साथ ही साथ विजय शर्मा ने भी और अरुण साहब ने भी शपथ ली है। ये खास तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये मंच इसलिए भी खास है, तो आप देखिए तस्वीरों में अमूमन ऐसा कम ही देखने को मिलता है, निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां मंच पर बैठे हुए नजर आए और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अभी। जिस तरह से ये जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से काफी लंबा इंतजार यहां पर करना पड़ा और अब चुनाव होने के बाद ये नई सरकार का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साहब, ये तीन जो अभी प्रमुख चेहरे हैं सरकार के चुन लिए गए हैं। पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली गई है, औपचारिकता हो चुकी है और अभी इस मंच को अगर तो हम देखें तो इस मंच के बहुत से मायने हैं, इस मंच से कई संदेश निकलते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस वक्त तस्वीर में नजर आ रहे सभी, चाहे प्रभारी हो या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहां से जाते हुए, ये विदाई का रुखसती का समय यहां से हो गया है। कार्यक्रम के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और सभी का अभिवादन ग्रहण करने के बाद अब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंच पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय सड़क राजमार्ग और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वहां दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ में विष्णु राज की शुरुआत, ऋतु तो विष्णु राज की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, बड़े बड़े मुद्दों को लेकर के बड़ी बड़ी जिम्मेदारी जो है उनके कंधों पर रहेगी अब, और जिस मुद्दों पर अभी तक बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से सवाल पूछती आई थी, अब ये जिम्मेदारियां आ चुकी हैं विष्णु साय के ऊपर और ये जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की बात भी उनके द्वारा कही गई है और निर्वहन होगा भी। बस अब जो है विष्णु राज की शुरुआत हो चुकी है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। दो डेप्यूटी सीएम भी रहेंगे, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, इस पर चर्चाएं लगातार जारी है। जातीय समीकरण यहां पर साधने की पूरी कोशिश की जाएगी, महिलाओं को भी तवज्जो दी जाएगी, नए चेहरों को भी तवज्जो दी जाएगी, तो सभी गुणा भाग करके यहां पर फैसला लिया जाएगा, जिसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। मैं अरुण साहब ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साहब ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो आज के बेहद खास कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने आए थे, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री थे, जेपी नड्डा थे और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे इस खास मौके पर। नितिन गडकरी भी मौजूद थे और बेहद खास आज का दिन रहा, भव्य तैयारियां की गई थी। विष्णु साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, साथ ही साथ विजय शर्मा ने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली, तो वहीं अरुण साव ने भी डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली। अब जो है इनके कंधों पर जिम्मेदारी, विष्णु साय के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी और ना सिर्फ विष्णु साय के ऊपर बल्कि दो डेप्यूटी सीएम भी बनाए गए हैं, उन दोनों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने हैं और ये एक अलग एक नया संदेश इस मंच से देने का प्रयास। देखिए कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ने सभी को बुलाया, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां पर हाथ जोड़कर उस जनता का अभिवादन करते हुए जिस जनता ने इस बार छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया, इस मंच से वो संदेश दिया। और यहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार किया, हाथ मिलाकर उनसे मिले भूपेश बघेल जो कि निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं और मंच पर उन्हें जगह दी गई थी। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर ये उन्हें मौका दिया गया था और यहां से एक संदेश, बड़ा संदेश देने का प्रयास।